मुंबई की विशेष शारा कोर्ट ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल टाटा कोर्ट से दोषियों को सजा, अबू सलेम उम्र कैद, करीमुल्ला खान उम्र कैद, फिरोज राशिद खान फांसी की सजा, ताहिर मर्चेंट फांसी की सजा और रियाज सिद्दीकी 10 साल की सजा। हथियार सप्लाई के आरोपी करीमुल्ला खान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई है। पूरी सुनवाई के दौरान अबू सलेम सहित सभी दोषी अदालत में मौजूद रहे। गौरतलब है कि मुंबई में हुए इन 13 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 12 मार्च 1993 को हुए इन धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और मुस्तफा डोसा मुख्य आरोपी थे। टाडा कोर्ट ने सलेम समेत 5 लोगों को सजा सुनाई है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।